जो कमिश्नर होते हैं उसके बराबर रखेगा और जिले में जो जिला अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी के बराबर अपना अस्तित्व रखेगा। और ये अस्तित्व तब बन पाएगा जब आपके कार्यकारिणी मजबूती से खड़ी होगी। हमारे बीच में गोरखपुर के साथी हैं, एक कार्यक्रम में मैं गया गोरखपुर में तो 22 किलोमीटर तक 1000 आदमी हमारे साथ चल रहा था और चौरी चौरा जब पहुंचे हैं तो वहां 5000 आदमी मौजूद था। अगर कार्यकारिणी मजबूत नहीं होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर है, पूर्वांचल है, जहां तमाम संगठनों के साथी मंच पे विराजमान थे और तमाम संत महापुरुषों की विचारधाराओं के जानने मानने वाले लोग वहां थे, तो जाति समीकरण पे लोग बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को एक जाति सम्मेलन के रूप में देखने आए थे, लेकिन उसे एक जाति का समीकरण न मिलने से बहुत दुखी हुए थे। मेरा भी मौका आया तो मैंने उसमें बताया कि ये जातीय समीकरण नहीं है, कोई जाति होती है चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे अहिर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे कोरी हो, चाहे काची हो। इस भावना को रखने वाले लोग जब मंच पे आते हैं तो अपनी जाति को अपना समाज बताते हैं। हमने मंच के माध्यम से कहा कि जाति जो है वो जाति है, जाति को समाज बताने की कोशिश न करो। पासी कहता पासी समाज है, धोबी कहता धोबी समाज है, चमार कहता चमार समाज है। समाज तो पूरे जातियों को मिलाकर बनेगा, एक जाति से समाज बनने वाला नहीं है। इसलिए सभी को यह मान के जाना है कि हमको अपना समाज बनाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज बनाने की कोशिश की है, संविधान में लिख दिया है अनुसूचित जाति जनजाति समाज। जाति नहीं लिखा है बल्कि सारी जातियों को उस समाज में समाहित कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो काम मनवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं, कम से कम हमारे लोग जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कम से कम एक समाज बनाने का संकल्पना लें, कल्पना करें, जिससे उनके समाज की मजबूती हो। आज देश की हालात में जब हम देख रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए हमारे अधिकारों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम जाति लेके क्या करेंगे। इसलिए जब हम एक मंच पे आएंगे, हमारा पूरे देश के साथियों से आह्वान है कि जिन संगठनों से आपका संबंध है, जिन संगठनों के साथियों से आपका संबंध है, उनको सहर्ष स्वीकार करते हुए उनको मंच पे आमंत्रित करिए, उनको भी बोलने का अवसर दीजिए, एक मिनट दो मिनट, क्योंकि आपस में जब हम मंच साझा करते हैं तो हमारे विचार और उनके विचार मिलते हैं तो एक बड़ी ताकत बन के आती है। इसलिए विशेष रूप से साथियों से आग्रह है कि आप सब कार्यकारिणी मजबूत करें। ऐसा नहीं है कि बगैर कार्यकारिणी मजबूत करें आप कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप संगठन के बगैर कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि कलयुग में संगठन ही बहुत मजबूत होता, संघ शक्ति कलयुग। हम लोग जिस स्थिति में चल रहे हैं इसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम एक एक साथी के विचार जानना चाहेंगे। जब हमारे संचालक महोदय फिर से मुझे अवसर देंगे तो मैं फिर से आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन बहुत समय जाया ना करने की कोशिश करिएगा।